हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. नम्मा बेंगलुरु में अब सबका स्वागत है. एंड या तो अभी सुबह के इट्स ओनली 7:30 में घड़ी. अभी सब लोग सो रहे हैं, मम्मी पापा लोग सो रहे हैं. एंड हम लोगों का ना बहुत, लाइक क्या बोलूँ, बहुत ही जेटलैग हो रहा है. एंड या आज शुक्रवार है, यानी आज फ्राइडे है. तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर जाएंगे डोसा खाने, क्योंकि मुझे डोसे बहुत पसंद है. तो क्योंकि मम्मी लोग उठ जाएंगे ना, तो हम लोग को डांटेंगे कि क्या तुम लोग बाहर जा रहे हो ब्रेकफास्ट खाने. बट मोस्ट ऑफ यू नो राइट, लाइक जो लोग बाहर रहते हैं, वी लव, बाहर का खाना बहुत ही अच्छा लगता है. स्पेशली जो दर्शनी का डोसा एंड ऑल मिलता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है. तो वही हम लोग जा रहे हैं. एंड ऐसा तो यू ऑल कैन सी कि फेस इज वेरी डल, क्योंकि ना हम लोग को इस बार जेटलैग हो गया है, जो कभी भी हम लोग इंडिया में आते हैं ना नहीं होता है. तो इट्स क्रेजी, लाइक इवन शाम को 4 बजे हम लोग सब सो रहे हैं, एंड फिर हम लोग ऐसा रात को भी वेक अप एट 9 o'clock, एंड फिर ऐसा रात को नींद नहीं होता है. सो वो एक प्रॉब्लम हो गया है. बट छोड़िए, जो भी हो, अभी मौसम तो बहुत ही अच्छा है. मैं जैसे बोल रही थी, हम लोगों को तो ऐसा तो ठंडा है भी नहीं, लाइक हम लोगों को बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इज़ अराउंड 26-25, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है. बट एनी हाउ, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ. वेलकम टू बेंगलोर, बेंगलुरु. एंड मेरी मम्मी का घर इज़ वेरी नीट एंड क्लीन. आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी तक. लाइक एक लेडी आती है, वो लाइक जो घर वर पोछा मारती है, फिर बर्तन धोती है. जस्ट सी, देयर आर सो लेस यूटेंसिल्स फॉर हर. एंड यहाँ पे वो थोड़ा, उन्होंने लाइक एक दूध का बर्तन है, वो भी मम्मी ने कितनी अच्छी तरीके से रखा है. एंड सी, इट्स सो नीट एंड क्लीन. लाइक मेरी मम्मी को ना साफ करने का बहुत, लाइक एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, तो वो हर वक्त वही करती रहती है. तो चलिए अभी बाहर चलते हैं, डोसा खाते हैं. एंड आज मैं जा रही हूँ ससुराल, तो जाएंगे ससुराल, मिलेंगे सबसे. एंड या बहुत सारा मस्ती भी होगा. तो चलिए, लेट्स गो आउट एंड हैव सम डोसा फर्स्ट. तो अभी हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने. एंड नाउ इट इज़ अराउंड 8 o'clock. तो बच्चे लोग मुझे लगता है स्कूल जा रहे हैं. एंड राय इतना डरती है ना बाहर, बिकॉज इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं. बेंगलोर इज फेमस. व्हाट हैपेंस? There is lot of mosquitoes, nothing will happen. Come. तो अभी मैं नहाने चली जाऊंगी. राय ऑलरेडी नहाने चली गई है. एंड वो लाइक डोसे बहुत ही अच्छा था, पर वो लोगों ने मिर्ची बहुत कम दिया था. एंड ऐसा थोड़ा मिर्ची, लाइक चिली थोड़ा तीखा हो तो अच्छा लगता है. एनी हाउ, तो अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल. तो आई जस्ट शेयर यू ऑल द थिंग्स. मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखा देती हूँ दैट व्हाट आई गॉट फॉर देम, बिकॉज मेनी ऑफ यू वर सेइंग मी. तो मैं कैमरा रख के आप सबको जल्दी जल्दी ऐसा दिखा देती हूँ. सो मेरी ननद की बेटी के लिए आई गॉट ए लॉट ऑफ ड्रेस. अभी मुझे शक हो रहा है कि होगा कि नहीं. तो ये बहुत ही अच्छा है, यू कैन सी ये टॉप्स है एंड ये ड्रेस है. आई होप सो उसको फिट होगा. ये मुझे बहुत क्यूट लगा. सी, ये टॉय स्टोरी का, ऑल द टॉय स्टोरी कैरेक्टर्स आर हियर. एक ड्रेस, देन दिस इज वन मोर ड्रेस. ये भी बहुत सुंदर है ड्रेस, जस्ट लुक. वो 4 साल की है ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा उसको देखने में. देन देयर इज वन मोर ड्रेस फॉर हर. और यहाँ पे है राय. एंड बेंगलुरु में जो प्रॉब्लम होता है, वन प्लेस टू अदर प्लेस कहीं पे भी जाओ, वो है ट्रैफिक. तो व्हाट्स द
पहुँचते इट विल टेक अराउंड 1 आवर जबकि इतना लाइक इट्स नॉट दैट फार. ये अभी 41 मिनट्स बोल रहा है. यहाँ पे मेरे हबी का ऑफिस था पहले, पर मैं ये जगह कभी भी नहीं आई थी. फिर हम लोग यहाँ पे तब कभी भी नहीं आई थी. अभी तो कुछ भी नहीं था ट्रस्ट में यहाँ पे. You can see so many places. कुछ भी नहीं था यहाँ पे. तब हम लोग ये ऑफिस मैं जब काम करता था तो ये ऑफिस बना. या पहले ऑफिस उधर था सेंट मार्क्स रोड पे. अच्छा, फिर बड़ा ऑफिस बना. तब ये कुछ भी नहीं था. या वही मैंने अभी बोल रही कि कुछ भी नहीं था. लाइक हम लोग देखने आए थे एंड आई वाज लाइक कहाँ पे ऑफिस शिफ्ट हो रहा है. जब यहाँ पे ऑफिस आया हम लोग सोचे कि तो मर जाएंगे. आने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला एंड आप सबको तो पता ही है माय मदर इन लॉ मेरी सासू माँ भी थोड़ी वीक हो गई है एंड ये है छोटू. देखिए तो छोटू है तो देखा. हाय बोले तो सब के मेरी ननद ना छोटू हिंदी पारो ना. हिंदी वो जेंडर हमारो बहुत हिंदी जेंडर सब कुछ प्रॉब्लम होता है. हिंदी चलता है हम लोग का. हम लोग चाय खाता है चाय पीता नहीं खाता है हम लोग सब कुछ. हमारे मेरे यहाँ पर शॉपिंग वाले ड्रिंक वाले इटेबल थिंग टाइप का हमारे ड्रिंक करो. पर अभी उन लोग का घर चेंज हो गया. नेक्स्ट ईयर जब मनोज बाबा नूतन घर तो वो घर बिकॉज वो घर में बहुत ही स्कूल है प्रॉब्लम ही तो छिल ना अभी वो बंद 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 अभी उसकी बेटी ना शी गोज इन किड्स जी तो जाए ना तो वो अच्छा है. तो अभी अच्छा है बेटी बेश भालो सेजे आछे. बेटी बेश भालो सेजे आछे. बेटी बेटी माने तोमार ओर बेटी अभी ओर बेटी तो उसकी बेटी अभी बहुत मस्ती कर रही है. सासू माँ तुम्हें क्या नो आसो ना सबाई बोले क्यों सासू माँ नहीं आती है. आऊंगी सासू माँ फिर कभी भी नहीं आएंगे. एक बार आसो ना छोटू तुम्हारा कोनो समय आसो ना कत दिन हो गेलो तो तुम्हारा बोलो खाली जाओ ना. अरे माँ तो माँ और बाबा के पाठिए दो तो क्या होलो किच्छु भूखबे टूबे ना. सासू माँ का डर लगता है फ्लाइट में आने में. उसको 26 आवर लागे ना माँ. अब लोग सब लोग बोलते रहते सासू माँ आना ही नहीं चाहती है. नहीं आना तो जरूर चाहती है. आना जा की देखते डायग्राफर्स तुम्हारा वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी डायग्राफर्स সবাই তো ভাবে নাইগ্রা ফলস আমাদের ওইখানে ওকে কে নাইগ্রা ফলস দেখো নাইগ্রা ফলস অনেক দূরে. বেটা বেটা কা ঘর বেটা কা ঘর तो राय और मैं अभी ऐसे ऊपर टेरिस पे जा रहे हैं. राय का सा देखना पसंद है एंड दिस इज़ ए न्यू लाइक वो लोग रेंट पे रह रहे हैं. वो लोग और एक जगह घर बना रहे हैं अभी क्योंकि वो जो पहले वो लोग का घर था ना दैट वाज स्कूल्स एंड ऑल इतना अच्छा नहीं था तो दे शिफ्टेड हियर. यहाँ का स्कूल्स इट सीम्स अच्छा है तो नेक्स्ट ईयर से दे विल लाइक वो लोग अपने घर पर चले जाएंगे. वो अभी काम चल रहा है सो इसलिए राय को लाइक देखना है. दिस एरिया ऑल्सो इज नाइस. पर मैं जैसे बोल रही थी ना मुझे अभी इतना पता भी नहीं है कौन सा जगह क्या है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेरिस पे. आई थिंक सो इट इज़ 4. यानी अच्छा ये इतना बड़ा अपार्टमेंट नहीं है. स्मॉल देयर इज नथिंग. राय सिर्फ मॉस्किटो से डरती है. और हम लोग मैं और राय हूँ हम दोनों देखिए तो ये हम लोग का रक्षा कवच है. Gabana, gada pa sa na bagay.
एंड दिल्ली बहुत ही अच्छा है पर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी है. दिस इज़ समथिंग जो राय वहाँ पे नहीं देखती है. एंड नाउ बेंगलोर में सभी जगह सिर्फ फ्लैट्स एंड फ्लैट्स. इतने सारे फ्लैट्स हो गए एवरी वेयर एंड मुझे कुछ पता भी नहीं है कौन सा जगह क्या है. लाइक पहले जब हम लोग थे ना, वी हैव अवर बहुत ऐसा इको टाइप होगा, तो हम लोग का घर ना हेल पे था, लाइक एचएल पे. तो जब हम लोगों ने खरीदा था सब लोग ऐसे बोलते थे कि अरे तुम लोग तो बेंगलोर के एंड पे हो एंड नाउ इट इज़ द सेंटर. हाँ पर दिस आर प्लेसेस आर क्वाइट फार. लाइक फिनिक्स मॉल से आई थिंक सो दिस इज़ अराउंड 10 किलोमीटर्स. या माँ कमिंग, वेट वन सेकेंड, वेट फॉर मी. एंड जो सब लेडीज लोग करते हैं वो ही हम लोग कर रहे हैं, दैट इज साड़ी देखना कि क्या क्या नया साड़ी वो लोग ने खरीदा है. एंड ये साड़ी एक्चुअली बहुत सुंदर है. मेरी सासू माँ को साड़ी खरीदना बहुत पसंद है, ज्वेलरी खरीदना भी उनको बहुत अच्छा लगता है. तो नाउ अभी कितना हो गया, इट इज़ आई थिंक सो 6:30 एंड तब से हम लोग सिर्फ साड़ी ही देख रहे हैं. सिर्फ साड़ी कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग. एंड मैन मुझे मिल गया दो सलवार. तो अभी आप सबका कोई भी कंप्लेंट नहीं होगा, मैं वो दो सलवार बना लूँगी एंड हो जाएगा मेरा. एंड बहुत अच्छा अच्छा साड़ी था जो मैंने देखा. ये स्वीट है ना, मैं इसको चुपके चुपके ना चॉकलेट खिला रही हूँ. किसी को मत बताना. अरे इसको भी हिंदी भी आता है, बहुत सारा इसमें हिंदी भी आता है. वो अभी फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं, लाइक मावर मस्ती इज विथ हर ओनली. तो मैं अभी इसको थोड़ा थोड़ा करके चॉकलेट दे रही हूँ. तो अभी हो रहा है बंगाली इवनिंग स्नैक्स, क्योंकि हम लोग का इवनिंग स्नैक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एंड ये टिपिकल बंगाली इवनिंग स्नैक्स है, बेगुनी विथ मुड़ी. मुड़ी मतलब पफ्ड राइस. इसको चाहिए चॉकलेट पफ्ड राइस. तो सब लोग मिलके एक साथ बना रहे इवनिंग स्नैक्स. सबसे मेन इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर ऑफ अवर फैमिली इज अवर जमाई. हेलो हेलो. अभी हम लोग ऐसा, ही इज वेरी टॉल, तो मुझे ऐसा लंबा कुछ ऐसा टूल लेके बात करना पड़ेगा. मैं टूल लंबा ना, ही सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, क्या बताएं. वेरी गुड पर्सन एंड वेरी जॉली पर्सन. हेलो हेलो. वो है के बोलेगा हेलो माँ, अपने जमाई तो खाली एकटा ही कथा बोलछे. नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट एवरीवन. नाइस टू मीट एवरीवन. तारीफ करें माँ अपने जमाई तो केरकम भालो बोलें. ही इज टू गुड. ही इज टू गुड. एंड आप बहुजन बोल रहे थे, आप लोगों ने मेरे फादर इन लो को नहीं देखा, तो ये रहे मेरे फादर इन लो. आई एम प्राउड ऑफ हर. ओ थैंक यू. आप मुझे शादी की आई मतलब पीटे उठ चलना. ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू.
तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 एंड हम लोग 15 मिनट्स पहले घर पहुँचे हैं क्योंकि कल ना सैटरडे है एंड सैटरडे हम लोग जब भी इंडिया आते हैं लाइक बेंगलोर में एक शनि मंदिर है मेनी ऑफ यू नो एंड आप लोग बहुत जन उस शनि मंदिर में गए भी है तो हम लोग हर वक्त वो शनि मंदिर जाते हैं एंड दैट इज़ लिटिल बिट क्लोज टू माई मम्मीज़ हाउस वो लोग के घर से वो शनि मंदिर बहुत फार है इट इज़ मोर देन 20 किलोमीटर्स तो इसलिए आज हम लोग फिर लौट के आ गए एंड मैं अभी तैयारी कर रही हूँ तो आई एम प्लानिंग कि मैं ये साड़ी पहनूंगी मोस्ट ऑफ यू हैव सीन मी वेयरिंग दिस साड़ी क्योंकि अच्छा नहीं लगता यू नो टेम्पल में ऐसा ही तो आई विल बी वेयरिंग दिस साड़ी एंड मेरे हबी के लिए भी ऑल्सो आई गॉट वन कुर्ता तो वो लाइक यू विल बी वेयरिंग दैट एंड सुबह सुबह हम लोग मंदिर के लिए निकल जाएंगे एंड उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि कल हम लोग शॉपिंग करेंगे एंड मेरे सिस्टर इन लॉ पहले ना वो ऐसा साड़ी का बिजनेस करती थी लाइक साड़ी सलवार तो बहुत दिन पहले उसने छोड़ दिया था तो शी हैड अ लॉट ऑफ रह जाता है ना सलवार तो मैंने उसको बोला यू नो मुझे ऐसा दो सलवार दे दो जी वॉज लाइक तुमको जो जो चाहिए भाभी ले लो तो वहाँ से आई गॉट टू सलवार तो अभी आप लोग नहीं बोल सकेंगे कि पायल तुम सेम सलवार पहनती हो वेट मैं अभी दिखाती हूँ उससे आई गॉट दिस टू सलवार लाइक सलवार पीस मुझे बनाना है एंड इसका मटेरियल ना बहुत अच्छा है पता नहीं बहुत सारे कलर्स थे पर मुझे ग्रीन ही पसंद आया एंड सी द दुपट्टा ऑल्सो इज नाइस कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा है एंड देन अगेन आई गॉट वन मोर ग्रीन सलवार ये भी बहुत सुंदर है ये शायद हैंड पे आएगा एंड ये शायद सामने आएगा एंड इसका जो दुपट्टा है ना इट्स वेरी ब्यूटीफुल पूरा ऐसा अच्छी तरीके से काम किया हुआ है तो मुझे ये दोनों सलवार बहुत पसंद आया है एंड सब लोग मेरी सासू माँ भी बोल रही क्या पायल सेम कलर का ले रही हो मैंने बोला यू नो छोड़िए यार आई जस्ट वांट टू फील कंफर्टेबल वेयरिंग दिस तो ये दो मैं सलवार बनाऊंगी एंड मैं देखती हूँ कि फिनिक्स मॉल में एक्चुअली मैं उसको पूछ रही थी कि क्या क्या है इट सीम्स पैंटालून है एंड शॉपर स्टॉप भी वहाँ पे ही है क्योंकि हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे ना फिनिक्स मॉल पे वी जस्ट वेंट टू क्या वो बीइंग ह्यूमन एंड फिर हम लोग इमीडिएटली चले आए तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि एक दिन मैं अच्छी तरीके से जाऊँ क्योंकि मम्मी के घर से फिनिक्स मॉल इज़ वेरी नियर ओनली 4 किलोमीटर्स तो मे बी आई विल गो एंड अच्छी तरीके से थोड़ा देख लाइक थोड़ा देख के मुझे थोड़ा खरीदना है तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन आई होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई विल मीट यू ऑल टुमारो विद ए न्यू वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब सो बाय बाय